पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लंबे समय से इंतजार कर रहे महाराणा प्रताप चौक पर स्वामी चिन्मयानंद द्वारा महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया और सीआरपीएफ के शहीद हुए जवानों को नमन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच के द्वारा महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद रहे। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल के साथ भी और लोग शामिल हुए। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करके स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि देश के महानायक महाराणा प्रताप को नमन करना जरूरी है, तो वहीं सीआरपीएफ के शहीद हुए जवानों के लिए बोलते हुए कहा कि हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं और 42 घंटे के अंदर ही सरकार इसका जवाब देने के लिए कार्य कर रही है। क्षत्रिय विकास मंच मुरादाबाद ने आज एक ऐसे समय में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है जब देश को क्षत्रिय शौर्य की आवश्यकता है। ये संदेश दिया है मुरादाबाद ने पूरे देश को कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके खून का एक एक बूंद क्षत्रिय समाज नाजायज़ नहीं जाने देगा, बेकार नहीं जाने देगा। और कुछ ही घंटों में, मैं दिन की बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ घंटों की बात करता हूँ, हमारे 42 नौजवान शहीद हुए हैं, 42 बेटे शहीद हुए हैं, 42 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहा है, 42 घंटे के अंदर ही कार्यवाही होनी चाहिए। और ये क्षत्रिय समाज को संदेश है, पूरे क्षत्रिय समाज को संदेश है, पूरे विश्व के क्षत्रिय समाज को संदेश है कि देश पर हमला करने वालों को, देश के अस्मिता पर हमला करने वालों को, देश की स्वाभिमान की छाती पर छुरा भोंकने वालों को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की जवानी इसके लिए समर्पित होगी और एक एक का बदला, अब तो पाकिस्तान अपने अस्तित्व की चिंता करे कि पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के रहने की ज़रूरत नहीं है। इस विश्व को शांति की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, समृद्धि की ज़रूरत है। गुंडई, बदमाशी, आतंकी और ये हिंसा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसका जवाब हिंदुस्तान देगा, महाराणा प्रताप का शौर्य देगा, महाराणा प्रताप का संदेश देगा, महाराणा प्रताप का इस क्षत्रिय समाज हमेशा महाराणा प्रताप। आज ऐसे समय में सदियों के बाद अगर आज महाराणा प्रताप मुरादाबाद में मूर्तिमंत हो रहे हैं और ऐसे समय में जब पुलवामा का खून देश की छाती पर चिपका हुआ है, माता की छाती पर लगा हुआ है, ऐसे समय महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करके मुरादाबाद के क्षत्रिय समाज ने पूरे विश्व के क्षत्रिय समाज को संदेश दिया है कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हम जब तब तक पूरा हिसाब चुकता नहीं कर लेंगे और पाकिस्तान का जर्रा जर्रा ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, तब तक भारत का ही नहीं पूरे विश्व का क्षत्रिय समाज शांति से नहीं सोएगा। अगर महाराणा प्रताप घास की रोटियां खा करके, महाराणा प्रताप अगर जमीन में सो करके, महाराणा प्रताप अगर जंगल में रह करके देश की सम्मान, देश की स्वाधीनता और देश की संप्रतिष्ठा के लिए जीवन को दांव पर लगा दिया, तो उनकी परंपरा का ये क्षत्रिय समाज उनकी परंपरा का पालन करेगा, उनके द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुगमन करेगा। और ये संदेश देता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को संदेश देता है कि अब ये गुंडई बंद होनी चाहिए, ये आतंक बंद होना चाहिए, अन्यथा पाकिस्तान का अस्तित्व अब रहने का योग्य नहीं है पाकिस्तान।